हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो का टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस स्टोव। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्टोव के बारे में बहुत ही डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हालांकि ब्लास्ट फर्नेस स्टोव के बारे में मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी काफ़ी सारा चीज़ें आपको बता दिया था, है ना। सिंपल बेसिक चीज़ें तो मैंने बता ही दिया था कि ब्लास्ट फर्नेस स्टोव क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ों को। बट यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लास्ट फर्नेस स्टोव की ज़रूरत हमको पड़ती क्यों, ये करता क्या है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्टोव जो है ना, हमको हॉट ब्लास्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हॉट ब्लास्ट, जो हॉट ब्लास्ट हम लोग एयर के थ्रू भेजते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस में, जो हॉट ब्लास्ट मतलब है हॉट एयर, सिंपल अगर बोलोगे तो इसका मतलब होता है हॉट एयर। तो हॉट ब्लास्ट प्रोवाइड करता है कौन? ब्लास्ट फर्नेस स्टोव। ठीक है, अब ब्लास्ट फर्नेस स्टोव हॉट एयर प्रोवाइड करता है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्टोव के लिए फ्यूल क्या होता है, है ना। ब्लास्ट फर्नेस स्टोव किस फ्यूल पे चलता है? तो वो ब्लास्ट फर्नेस गैस पे चलता है। जो ब्लास्ट फर्नेस स्टोव है ना, वो ब्लास्ट फर्नेस गैस पे चलता है। जो ब्लास्ट फर्नेस गैस, जो ऑफ्टेक गैस जो होता है ना, जो ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से निकलता है, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है ना, उसको पहले हम लोग क्लीनिंग सिस्टम में भेजते हैं, जहाँ पे डस्ट कैचर है, स्क्रबर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो यहाँ से पास होता है ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है। तो ब्लास्ट फर्नेस गैस में जितना भी डस्ट होता है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब विदाउट गैस क्लीनिंग आप डायरेक्ट इसको स्टोव में नहीं भेज सकते, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है उसमें बहुत सारे अमाउंट में डस्ट होता है। तो अगर आप डायरेक्टली भेजोगे स्टोव में, तो वहाँ पे पूरा डस्ट जम जाएगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको पूरा उसको डस्ट को हटाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी होती है कि डस्ट में बहुत सारे अमाउंट में आयरन ऑक्साइड वगैरह होता है, जो कि यूज़ करने लायक होता है, वो वेस्ट नहीं होता है। तो उसको हम अलग करके वापस सिंटर प्लांट में भेज देते हैं, जो भी डस्ट वगैरह अलग करते हैं उसको। ठीक है, तो स्टोव जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस पे चलता है। ठीक है, अब ये देखो वर्क कैसे करता है। अब जो ब्लास्ट फर्नेस गैस जो निकलता है ना, उसका उपयोग बाकी जगह भी किया जा सकता है, बट सबसे पहला उपयोग होता है स्टोव के लिए। अगर स्टोव में यूज़ करने के बाद भी अगर कोई कुछ गैस बच गया है ना, तो उसको रीहीटिंग फर्नेस और बाकी फर्नेस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्टोव में करते हैं, स्टोव में बच जाने के बाद हम दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। अब ब्लास्ट फर्नेस गैस का मैं सॉरी इसका ब्लास्ट फर्नेस स्टोव का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको मैं सीधा दिखा देता हूँ। तो जो ब्लास्ट फर्नेस स्टोव होता है ना, एक टॉल सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो टॉल है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है ये। अगर आप बाहर से देखो तो सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा, और ऊपर इसका टॉप जो है वो डोम शेप का होता है। इस तरह से जो गोल होते हैं उसको बोलते हैं डोम शेप का, है ना। अब इस ब्लास्ट फर्नेस स्टोव में ना दो चैम्बर होते हैं, एक होता है कम्बशन चैम्बर, दूसरा होता है चेकर चैम्बर। ठीक है, कम्बशन चैम्बर में क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस आ रहा है उसको हम बर्न करते हैं। कहाँ पे? कम्बशन चैम्बर में। ठीक है, तो इसमें लगा होता है बर्नर, है ना, बर्नर लगा होता है कम्बशन चैम्बर में, जहाँ पे हम गैस जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस उसको भेजते हैं और एयर भेजते हैं। यहाँ पे जो एयर सप्लाई आप देख रहे हो ना, वो ब्लास्ट फर्नेस गैस को जलाने के लिए भेज रहे हैं हम लोग, है ना। ये कोल्ड एयर सप्लाई के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस गैस को बर्न करने के लिए हम एयर सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं और ये गैस सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर लगा होता है बर्नर, बर्नर में जो आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस है वो बर्न होता है। ठीक है, अब ब्लास्ट फर्नेस गैस बर्न क्यों होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस गैस में बहुत सारे अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक फ्यूल है जो जल सकता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होने के कारण ब्लास्ट फर्नेस गैस में कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसको हम जला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा होता है चैम्बर, कम्बशन चैम्बर में, यहाँ पे आपका ये गैस बर्न होता है। तो बर्न होने की वजह से जो हीट निकलता है, जो गैसेस वगैरह निकलती है, वो कम्बशन चैम्बर से होते हुए यहाँ से चेकर चैम्बर में जाती है, है ना। अब चेकर चैम्बर में क्या होता है ना, चेकर ब्रिक्स लगे होते हैं। ठीक है, मैं सीधा उसको फोटो को दिखाता हूँ। इस तरीके से देखो, ये चेकर ब्रिक्स होता है ऐसा, ये रिफ्रैक्ट्री का बना होता है, जनरली फायर ब्रिक्स रिफ्रैक्ट्री का बना होता है ये। ठीक है, इसी को पूरा अरेंज करते हैं यहाँ पे। ब्लास्ट फर्नेस स्टोव जो आप देख रहे हो इस फोटो में, देखो पूरा इसी रिफ्रैक्ट्री को क्या किया गया, एक के ऊपर एक रख के पूरा जमा दिया गया है। इसको बोलते हैं चेकर ब्रिक्स, तो इसको चेकर चैम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से बना होता है, चेकर ब्रिक्स से, है ना। ये और दूसरा फोटो है, इस तरह से पूरा लगा देते हैं। ये चेकर ब्रिक्स लगाने का रीज़न क्या है, ये जो ब्रिक्स होता है ना, जो वो क्या करता है, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको हीट मिलता है कम्बशन चैम्बर में, जब हम गैस को बर्न करते हैं, तो जो हीट है उसको ही एब्जॉर्ब कर लेता है ये जो ब्रिक्स है। ठीक है, अब ऐसा बहुत सारा ब्रिक्स क्यों लगा रहे हैं, इस तरह से डिज़ाइन इसलिए बनाया गया है ताकि सरफेस एरिया जो है बड़ा हो सके ब्रिक्स का। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना, उतना ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, इसलिए चेकर ब्रिक्स इस डिज़ाइन का बनाया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये गैस जो है चेकर ब्रिक्स से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाता है।
ठीक है। अब क्या हो गया, चेकर ब्रिक्स इससे गर्म हो जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम इसको गर्म करते हैं। इसमें देखो ये वाला जो पहला जो है बी वाला जो दिख रहा है, यहाँ से देखो ये गर ये जो है बर्नर में गैस बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और यहाँ से हीट जो है फ्लो हो रहा है इधर बाहर की ओर जो गैस है। तो ये जो चेकर चैम्बर है ना वो पूरा गर्म हो जाता है, जो चेकर ब्रिक्स है पूरा रेड हॉट हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं, जनरली शायद अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर मुझे भी नहीं पता, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम इसको चेकर ब्रिक्स को हीट कर लेते हैं, ठीक है। और जब उस टेम्परेचर तक हीट अटेंड हो जाता है, ठीक है, तो अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, है ना। अब देखो जो ये गर्म करने का जो स्टेप है ना, जो चेकर ब्रिक्स को जो गर्म करने का स्टेप है, उस स्टेप को बोलते हैं ऑन गैस। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन गैस, मतलब जो चेकर ब्रिक्स है या जो स्टू है अभी गर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑन गैस कंडीशन, ठीक है। और जब प्रॉपर टेम्परेचर अटेंड हो जाता है स्टोव का, तो हम कब अब क्या करते हैं, जो बर्नर है उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब गैस सप्लाई रोक देते हैं, बर्नर बंद कर देते हैं, ठीक है, बर्निंग, क्योंकि पूरा चेकर ब्रिक्स गर्म हो चुका है अब, है ना। तो अब कंबशन बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो कोल्ड एयर है उसको हम भेजते हैं यहाँ से चेकर ब्रिक्स से, देखो इधर एक इनलेट होता है दूसरी तरफ, यहाँ से हम कोल्ड एयर को भेजते हैं, ठीक है। कोल्ड एयर कहाँ से आता है, तो कोल्ड एयर नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना उसी को ही कंप्रेस करके खींच के हम कहाँ भेजते हैं, स्टोव में, ठीक है। कुछ कंडीशन में ऑक्सीजन इनरिचमेंट करना होता है तो ऑक्सीजन इनरिचमेंट कर देते हैं, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन डाल देते हैं, और ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह करना है तो भी हम इसमें जो एयर है उसी में ह्यूमिडिफिकेशन या स्टीम ऐड कर देते हैं। तो जो भी करना होता है पहले ही कर लेते हैं, जो भी ऐड करना है कोल्ड एयर में, तो कोल्ड एयर यहाँ से हम सप्लाई करते हैं स्टोव में। तो ये स्टोव में कहाँ जाता है, चेकर ब्रिक्स के बीचों बीच होते हुए बाहर निकलता है। तो चेकर ब्रिक्स तो ऑलरेडी रेड हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो जो एयर होता है ना वो भी पूरा गर्म हो जाता है। एयर क्या करता है, चेकर ब्रिक्स को हीट को ले लेता है और खुद एयर गर्म हो जाता है। तो जब चेकर ब्रिक्स जो एयर है वो चेकर ब्रिक्स से होते हुए इधर कंबशन चैम्बर से भी होते हुए यहाँ से गर्म होकर बाहर निकलता है। फिर ये जो गर्म हवा है वो बशल पाइप से जोड़ दिया जाता है। किसे जोड़ते हैं इसको, बशल पाइप से। तो बशल पाइप आप लोगों को पता होगा, तो सबसे बड़ा सप्लाई होता है बशल पाइप, उसी ही बशल पाइप से भी छोटा छोटा ट्यूअर निकला होता है, जहाँ से ट्यूअर से फिर ये हॉट एयर अंदर ब्लास्ट फर्नेस में भेजा जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर पानी सप्लाई हो रहा है तो वो कैसे होता है, बड़े बड़े पाइप में आता है पानी, फिर सब घर में सप्लाई करने के लिए उसको छोटे छोटे पाइप में लगा देते हैं। उसी तरीके से मेन जो हॉट गैस है वो हॉट एयर है वो बशल पाइप में आता है, बशल पाइप से वो ट्यूअर से होते हुए ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऑन ब्लास्ट कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑन ब्लास्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखिए मिनिमम हमको ब्लास्ट फर्नेस चलाने के लिए कम से कम 3 स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि 3 स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, 2 स्टोव में क्यों काम नहीं चलता है? तो होता क्या है ना कि ऑन गैस कंडीशन में हमको टाइम लगता है 2 से 4 घंटा, मतलब ब्लास्ट फर्नेस स्टोव को गर्म करने में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर थे वहाँ तक गर्म करने में 2 से 4 घंटा लग जाता है। लेकिन जब हम वहीं से गर्म हो जाने के बाद जब हम कोल्ड एयर सप्लाई करते हैं, मतलब ऑन ब्लास्ट कंडीशन में जब भेजते हैं, तो उसमें केवल 1 से 2 घंटे में आपका स्टोव जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के नीचे अगर स्टोव का टेम्परेचर आ जाता है ना, तो उस कंडीशन में बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो हॉट एयर आप जो कोल्ड एयर आप जो भेज रहे स्टोव में, ठीक है, तो वो कोल्ड एयर क्या करेगा, चेकर ब्रिक्स का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा एयर, तो चेकर ब्रिक्स क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा रूम टेम्परेचर तक ठंडा होते तक उसको रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आप हॉट ब्लास्ट जो भेज रहे हो उसका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस में आप भेजते हो, है ना। तो हॉट ब्लास्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर को 1200 पहुंचाने के लिए स्टोव का टेम्परेचर भी इसके आसपास ही होना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब जो स्टोव का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे आ जाता है ना, जैसे मान के चलो 1300 से नीचे आ जाता है, तब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो हॉट ब्लास्ट जनरेट करने में, उस टेम्परेचर का हॉट ब्लास्ट जनरेट करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद ठंडा हो गया 1300 से नीचे, ठीक है, है ना। तो इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 घंटा, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आने में 1 से 2 घंटा लगता है। तो आप देख रहे हो कि स्टोव को गर्म करने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है और वो ठंडा होने में वो कम समय ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 स्टोव से काम नहीं चला सकते, क्योंकि इसको गर्म करने में ज़्यादा समय लग रहा है, तब तक वो दूसरा वाला जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो आप हॉट ब्लास्ट कौन सप्लाई करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए रहता है 3रा स्टोव, ठीक है। मिनिमम 3 स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा बेटर है कि 4 स्टोव हो, क्योंकि अगर कुछ ब्रेकडाउन आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना, एक आध स्टोव में,
ठीक है, तो आपको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर 3 स्टोव है और एक में रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई है ना, तो फिर 2 स्टोव से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको पूरा ब्लास्ट फर्नेस को शट डाउन करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 4 स्टोव होना चाहिए, ताकि 1 स्टोव भी अगर रिपेयरिंग वर्क में है तो 3 स्टोव जो है अवेलेबल रहे, है ना। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया गया, देखो यहाँ पे बर्नर दिया गया, यहाँ से गैस और एयर सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बर्नर पे आपका गैस बर्न होता है, बर्न होने से जो हीट और गैस है वो यहाँ से चेकर विक से होते हुए ऐसे बाहर निकलता है ना। ये कहाँ जा रहा है, स्टैक मतलब बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं चिमनी से, ठीक है। और जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है, फिर हम कोल्ड एयर यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो कोल्ड एयर जो है अब वो उसके वो जो ऑन गैस का जो डायरेक्शन था और ऑन ब्लास्ट का डायरेक्शन वो अपोजिट होता है। तो यहाँ से कोल्ड एयर जब देते हैं तो चेकर विक्स में जो हीट है वो हीट एयर को चला जाता है, फिर ये एयर कंबशन चेकर विक्स और कंबशन चैम्बर से होते हुए ये सीधा सप्लाई हो जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, जो हॉट ब्लास्ट है वो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम डायग्राम दिया गया है, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये स्टील शेल का बना होता है, पूरा जो ये स्ट्रक्चर स्टील का ही बना होता है, अंदर में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगी होती है, स्टील शेल के अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है। कंबशन चैम्बर में यहाँ पे नीचे में सिरेमिक बर्नर होता है, यहीं पे गैस बर्न होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस, और गैस जो यहाँ से होते हुए हीट यहाँ क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर से होते हुए ऊपर का स्ट्रक्चर डोम शेप है, यहाँ से होते हुए चेकर ब्रिक्स में जाता है, और नीचे से ये जो गैस है जो कंबशन गैस है बाहर निकल जाता है, वो चिमनी को थ्रू उसको बाहर छोड़ देते हैं। और जब ये पूरा गर्म हो जाता है तो हॉट जो कोल्ड एयर है उसको हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, है ना। वो सप्लाई जो करते हैं वो कंबशन चेकर ब्रिक्स से होते हुए फिर कंबशन चैम्बर से होते हुए बशल पाइप में चला जाता है, बशल पाइप से फिर ट्यूयर में, ट्यूयर से फिर वो स्टो में चला जाता है, ठीक है। इसकी जो इफिशेंसी होती है ना ब्लास्ट फर्नेस स्टो की, वो लगभग 75-90% होती है, है ना। जो हीट इफिशेंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इफिशेंसी का मतलब क्या होता है, हीट इनपुट है ना डिवाइडेड बाई ये होता है हीट आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट इनपुट, मतलब कितना हीट इनपुट दे रहे हो और कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वो होता है इफिशेंसी। तो 75-90% इफिशेंसी होता है, मतलब कुछ अमाउंट में जो है हीट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो वो है ना एटमॉस्फेयर में लॉस हो ही जाता है, कुछ भी काम आप करते हो तो इसकी इफिशेंसी लगभग अच्छी होती है, 75-90% इफिशेंसी होती है। कंस्ट्रक्शन तो मैंने इसे बता दिया, और मैं डिटेल से थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। अभी मैंने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन बताया जो भी समझाया था मैंने, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन को और डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो स्टोव होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, टॉल सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसका जो टॉप होता है वो डोम शेप का होता है, इस तरह से डोम शेप है ना। इसका जो हाइट होता है वो 20 से 36 मीटर होता है जो हाइट है, और जो डायामीटर है इसका 6 से 8 मीटर होता है, ठीक है। ये बुक का डेटा है, हो सकता है प्लांट में इससे बड़े स्टोव भी आने लग गए हों, क्योंकि आजकल बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस आने लग गए हैं, तो बड़े ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए बड़े स्टोव भी आते हैं, तो हो सकता है इससे बड़ा स्टोव भी आता होगा, ठीक है। बट आप इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम वगैरह में, ओके। डोम शेप का होता है, तो ये जो डिज़ाइन है ना वो अलग अलग टाइप का डिज़ाइन का आता है, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन कैसे अलग होता है, एक होता है 2 पास डिज़ाइन और दूसरा होता है 3 पास डिज़ाइन, ठीक है। तो 2 पास डिज़ाइन क्या होता है, ये वाला जो है ना वो 2 पास डिज़ाइन को बता रहा है, ठीक है। अब 2 पास डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि जो कोल्ड एयर जो आप जो कंबशन चैम्बर से जो एयर जनरेट हो रही है, जो हीट जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जाता है, कंबशन चैम्बर से में ऊपर जाता है, अपवर्ड जाता है, उसके बाद अपवर्ड जाने के बाद जो चेकर चैम्बर होता है वहाँ से वो नीचे आता है। मतलब ये क्या हो गया, 2 पास डिज़ाइन हो गया, एक बार कंबशन चैम्बर में जा रहा है वो ऊपर, उसके बाद ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं 2 पास डिज़ाइन, ठीक है। इसके अलावा एक 3 पास डिज़ाइन होता है, जिसमें क्या होता है ना कि 3 चैम्बर होते हैं उसमें, ठीक है। 3 चैम्बर मतलब क्या होगा, एक होता है कंबशन चैम्बर, एक क्या होता है कंबशन चैम्बर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नर लगा होता है, यहाँ पे बर्न होता है गैस, अब ये कंबशन चैम्बर में गैस बर्न होगा और जो हीट है वो कहाँ जाएगा, वो चेकर ब्रिक्स में जाएगा। तो इसमें चेकर ब्रिक्स में इस तरफ नीचे की ओर जाएगा डाउनवर्ड, उसके बाद डाउनवर्ड जाने के बाद ये फिर एक और चेकर चैम्बर होता है, वहाँ से फिर होते हुए ये यहाँ बाहर जाता है। तो यहाँ पे 3 पास डिज़ाइन हो गया, क्योंकि पहला कंबशन चैम्बर में गया, फिर उसके बाद जो सेकेंड चेकर चैम्बर है वहाँ गया, फिर उसके बाद थर्ड एक चेकर चैम्बर होता है, अपवर्ड जाता है, फिर ये पहले अपवर्ड जाता है कंबशन चैम्बर में, फिर चेकर चैम्बर में डाउनवर्ड, फिर एक और चेकर चैम्बर होता है जिसमें अपवर्ड जाता है। तो इसमें क्या हो गया, 3 पास डिज़ाइन, 3 बार ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको 3 पास डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, है ना, थर्मल इफिशेंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये एक तरह का डिज़ाइन हो गया। और इसके अलावा एक और डिज़ाइन होता है,
साइड कम्बशन टाइप और सेंट्रल कम्बशन टाइप। अब इसमें देखो ये जो पहला फोटो है वो दिखा रहा है साइड कम्बशन टाइप को, है ना। इसमें देखो कम्बशन चैम्बर है और उसके जस्ट साइड में चेकर चैम्बर है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइड कम्बशन टाइप, ठीक है। और सेंट्रल कम्बशन टाइप में क्या होता है कि कम्बशन चैम्बर सेंटर पे होता है और उसके अगल बगल में क्या होता है, चेकर चैम्बर होता है। ये चेकर चैम्बर वन है, ये सेकेंड है, है ना। साइड में क्या है कि चेकर चैम्बर के साइड में है कम्बशन चैम्बर, लेकिन सेंट्रल कम्बशन में जो कम्बशन चैम्बर है वो चेकर चैम्बर के बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरह से कम्बशन चैम्बर यहाँ बीच में जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस बर्न होता है, और ये जो बर्न होने के बाद जो गैस है, जो हीट है, वो यहाँ से दोनों चैम्बर से होते हुए बाहर निकलता है इस तरह से, ठीक है। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो चेकर चैम्बर जो साइड में था वो बड़े साइज़ का था, सिंगल था, तो अब उसी को हम हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कम्बशन चैम्बर के उस तरफ भी रखे हैं और इस तरफ भी, दोनों तरफ चेकर चैम्बर है, ठीक है। तो इससे भी एक तरह से इफ़िशेंसी जो है ना वो बढ़ जाती है, जो थर्मल इफ़िशेंसी है, जो हीट लॉस है वो कम होता है, थर्मल इफ़िशेंसी बढ़ जाती है इस डिज़ाइन से, ठीक है। इसके अलावा आजकल एक और डिज़ाइन आ गया है जिसमें क्या क्या किया जाता है कि जो कम्बशन चैम्बर अलग से नहीं होता है, ये जो टॉप होता है ना, जो स्टोव का जो टॉप सेक्शन है, यहीं पे ही ऊपर में बर्नर लगे होते हैं, जो डोम होता है ना, अलग से कम्बशन चैम्बर नहीं होता, जो डोम लगा होता है ना, डोम में ही यहाँ पे क्या होता है, बर्नर होते हैं ऊपर में, वहीं बर्नर पे ही ब्लास्ट फर्नेस गैस और एयर इनलेट करा जाता है, जिससे वो बर्नर टॉप में लगा होता है और वहाँ पे वो जलता है, फिर वहाँ से जो हीट एनर्जी वो चेकर बिग्स में सप्लाई होती है। ये एक नया टाइप का डिज़ाइन है, उसमें अलग से कम्बशन चैम्बर नहीं होता, डोम शेप का जो टॉप है वहीं पर ही बर्नर लगा होता है, ठीक है। ओके, ऐसे दिखता है एक्चुअली में, आप लोग देख सकते हो, कभी भी अगर आप इंडस्ट्री जाओगे तो ब्लास्ट फर्नेस होगा उसके जस्ट बगल में ही आपको ब्लास्ट फर्नेस स्टोव मिलेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है, सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाल दी है, आप नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।